गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेक्सी जेल और मूको पेन जेल के बारे में, और ये जानेंगे कि इन दोनों जेल के यूजेस क्या होते हैं, इसका सही डोज क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, मार्केट में इसका प्राइस क्या होता है। सो दोस्तों टाइम वेस्ट न करते हुए हम जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें हेक्सी जेल और मूको पेन जेल के यूज के बारे में, तो इनका जो यूज होता है आपके माउथ में होता है। जैसे कि यदि आपको टंग्स में छाले पड़ गए हैं, छाले बहुत पेन करते हैं, तो इन दोनों क्रीम को आपको क्या करना होता है कि मिक्स करके उनमें लगाना होता है। जैसे कि यदि आपको जो है माउथ अल्सर हो गया है, जीभ में छाले आ गए हैं, कुछ लोगों को बड़े साइज के छाले हो जाते हैं जो बहुत ज्यादा पेन करते हैं, और कभी कभी कुछ लोगों को टॉन्सिल्स हो जाते हैं जो कि एकदम गले के नीचे साइड में होते हैं, टॉन्सिल का साइज थोड़ा बड़ा होता है जिसे देख करके लोग घबराने लगते हैं, तो टॉन्सिल्स को भी क्लियर करने के लिए, टॉन्सिल्स वैसे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो टॉन्सिल्स के कंडीशन में भी जो है आप इनका यूज कर सकते हैं। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जब आपके जीभ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद जब आप खाना पीना खाते हो तो कभी कभी उस खाने का स्वाद आपको नहीं समझ में आता है, तो ऐसी कंडीशन में भी इन दोनों जेल का यूज किया जाता है। और दोस्तों कभी कभी लोगों में देखा गया है कि उनके टंग्स में जो है घाव हो जाते हैं और घाव बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, तो उस कंडीशन में भी इनका यूज किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इनकी प्रयोग विधि क्या होती है। तो जब भी आप इनका प्रयोग करेंगे, इन दोनों जेल को एक साथ में प्रयोग करना है, थोड़ा सा आप जो है दोनों में से थोड़ा थोड़ा जेल आप निकाल लेंगे, और निकालने के बाद उनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है उंगली के सहारे आपको अपने जीभ पर जो है प्रॉपर इसको लगा लेना। ऐसा करने से आपको जो है मिनिमम 4-5 दिनों के अंदर ही रिलीफ मिलने लगता है। और दोस्तों इसका यूज करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनका यूज छोटे बच्चों को नहीं करवाना है, क्योंकि छोटे बच्चों को हमेशा अपने डॉक्टर के सलाह से ही कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है। यदि आप अडल्ट हैं तो अडल्ट में चाहे मेल हो या फीमेल हो या फिर कोई ओल्डर्स हो, प्रॉपर जिस विधि द्वारा मैंने इसको यूज करने के लिए आपको बताया, वैसे आप जो है यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई सवाल है, तो बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।